माफिया बदहवास। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। माफिया गिरी खल्लास। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गया। बेदम हो गया बाहुबली। मट्टी में मिलने के बाद रगड़ रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए। अपराधियों में खलबली। एक एक अपराधी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहुंच चुका है नैनी सेंट्रल जेल। आप देखिए इस तरीके से ये काफिला सीधा जेल के भीतर अब जा रहा है और इसमें अतीक अहमद मौजूद है। आज इसे सीधा जेल के भीतर ले जाया गया है और कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस कस्टडी मांग सकती है, यानी कि पुलिस रिमांड मांग सकती है। और फिलहाल बी वारंट पर लाया गया है और लगभग 24 घंटे के इस सफर के बाद ये पहुंचा है। इस बार पुलिस पूरी तरीके से मूड में है पूछताछ करने के। दूसरी तरफ उसका भाई अशरफ आया है, उसे भी लाया गया है, लाया जा रहा है और दोनों को आमने सामने बिठा करके ये पूछताछ हो सकती है, अगर पुलिस रिमांड दोनों की मिल जाती है तब। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस बार सवालों के साथ उसके सीधे सीधे पूछा जाए, क्योंकि अभी तक 47 दिन हो चुके हैं, शूटर का कोई अता पता नहीं है और इस मामले में पुलिस की किरकिरी हो रही है। इस लिहाज से बेहद अहम है कल अगर पुलिस रिमांड अगर मिलता है तो ये मान लें कि इस बार बेहद ही कड़ाई से पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि फिलहाल पुलिस खाली हाथ है और उसे लगता है कि इन दोनों भाइयों को पूछने के बाद बहुत कुछ सुराग मिल सकता है। कुमार अभिषेक, नैनी जेल, प्रयागराज आज तक। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हल्ला बोल की शुरुआत हम इसी खबर के साथ आज कर रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद अपने सफर को पूरा करके साबरमती जेल गुजरात से अब पहुंच गया है नैनी जेल प्रयागराज, जहां पर इंतजार कर रही है पुलिस। और ये इंतजार इस बार साख की लड़ाई है कुमार अभिषेक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। इधर उधर चारों तरफ से इनाम घोषित करने के बावजूद वो उन शार्प शूटर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसमें उसका बेटा असद तक शामिल है, 5 लाख का इनामी, पत्नी 25,000 की इनामी। इन सब के बीच इस बार कड़ाई से पूछताछ ताकि लोगों तक पहुंच सके। इस वक्त अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो इस वक्त अतीक अहमद का जो वैन है, पुलिस वैन है जिससे उसे लाया गया है, उसे ठीक जेल गेट के सामने लगाया गया और अब धीरे धीरे जेल गेट में पीछे की तरफ से उस पूरे वैन को ले जाया जा रहा है ताकि अतीक को सीधे वहां अंदर उतारा जा सके और अंदर उसके बैरक में भेजा जा सके। आज की रात अतीक अहमद इस जेल में रहेगा, कल इसे सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर जो पुलिस है प्रयागराज की पुलिस वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब उससे पूछताछ की शुरुआत कर सकती है, उससे इस पूरे मामले की पूछताछ पीसीआर जो पुलिस रिमांड है वो पहले पुलिस मांगेगी और उसके बाद उससे पूछताछ होगी। तो बेहद अहम है अतीक के लिए ये इस बार लौट करके आना। अतीक अहमद लगातार विक्टिम कार्ड खेल रहा है, सहानुभूति की बातें कह रहा है, वो कह रहा है कि मिट्टी में तो मिला दिया गया है, अब उसे जमीन पर रगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की उसने कोशिश की है, लेकिन इस बार पुलिस किसी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। दोनों भाई चाहे अतीक अहमद हो या फिर अशरफ, दोनों को इस पुलिस रिमांड में हो सकता है पुलिस आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ करे। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि इस पूछताछ में निकलता क्या है, क्योंकि अभी तक शूटरों के मामले में प्रयागराज पुलिस खाली हाथ है और अब देखना होगा कि इस मामले में निकलता क्या है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी नैनी जेल के बाहर से। अरविंद, मन में योगी का खौफ, उसकी बातें हमने दर्शकों को सुनाई है, कह रहा है मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, अब मिट्टी में मिला तो दिया, अब बीवी बेटे की चिंता सता रही है, जेल पहुंच गया और पुलिस के लिए भी इस बार आर पार की लड़ाई है, हर हाल में शार्प शूटर्स को पकड़ना है तो कस्टडी मांगेंगे इस बार। नहीं बिल्कुल, देखिए आर पार की लड़ाई तो है और आपको बताऊं उमेश पाल हत्याकांड में जो यूपी पुलिस है उसके हाथ खाली भी है अंजना, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अतीक अहमद नामजद आरोपी है, उसका भाई अशरफ वो नामजद आरोपी है, लेकिन दोनों ही जेल में थे। असल काम
असल काम जिन शूटरों ने किया, हत्याकांड को अंजाम जिस अतीक अहमद के बेटे असद ने किया, वो यूपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ पर कि देखिए नैनी जेल के बाहर किस तरीके का हुजूम है, किस तरीके से इतना बड़ा ये कांड है कि पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को हिला दिया। जिस तरह की सीसीटीवी तस्वीरें आई, पहले गोली मारी गई, फिर बम मारा गया। कल अदालत में पेश करेगी यूपी पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को, और ऑफिशियली बहुत मुमकिन है कि इस मामले में गिरफ्तार भी, औपचारिक तौर पर जो गिरफ्तारी होगी, रिमांड मांगी जाएगी। और उसके बाद जो उमेश पाल हत्याकांड में जो साजिश की परतें हैं उसके राज का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी अंजना। लेकिन आज तक ने झांसी में जब अतीक अहमद से पूछा कि किसने मिट्टी में मिला दिया, तो उसने कहा कि हम मिट्टी में मिल गए हैं। दूसरा सवाल आज तक ने यह किया कि जो शाइस्ता प्रवीण, जो उसकी बीबी है, वो कहां है, उस पूरे साजिश में शामिल है। तो उसका कहना है वो घरेलू महिला है, उसका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है। बेटे की जब बात आती है तो वो झुंझलाता है और झुंझलाते हुए जवाब देता है। कभी कभी वो डरा सहमा सा लगता है, कभी कभी वो शातिर भी लगता है। लेकिन ये तस्वीरें नैनी जेल के बाहर की गवाही दे रही हैं कि कितना बड़ा, कितना हाई प्रोफाइल ये केस है। कुछ देर पहले ही अतीक अहमद को लेकर जो यूपी पुलिस है वो साबरमती से नैनी जेल लेकर पहुंची हुई है। अब जो ये रात है, आज की रात, वो नैनी जेल में काटेगा। तकरीबन एक महीने के अंदर की बात करें तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब साबरमती जेल से उसको प्रयागराज लाया गया है। अब कल रिमांड पर लेकर लगातार यूपी पुलिस पूछताछ करेगी। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिक्स है यूपी पुलिस की, दबाव बनाने की, कि कम से कम जो अतीक अहमद का बेटा असद, जो हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है, जो शूटर हो, वो कम से कम पुलिस की गिरफ्त में आ सके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, हमारे तीनों सहयोगी जुड़ गए हैं। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, क्या अपडेट है, पहुंच गया है? लेकिन अगर उसका एक एक बयान हमने अपनी रिपोर्ट में बनाया है जो कुछ ही देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे, इस बार बड़ा डरा हुआ है और अब वो समझ गया है कि चारों तरफ से घिर चुका है, बीवी बेटे पर पूरी तरह से अब शिकंजा कसने की तैयारी यूपी पुलिस ने कर ली है और उनके लिए साख की बात है। शार्प शूटर्स अभी तक पकड़ नहीं पाई है यूपी पुलिस। देखिए, जब आज तक ने अतीक अहमद से बातचीत करी है तो उसके हाव भाव साफ थे। तो नंबर एक, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वो साफ उसके चेहरे पे दिख रहा है। वो ये बताना चाहता है सरकार को, योगी सरकार को ये बताना चाहता है कि मैं डर गया हूं और आप जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, चाहे मेरे खिलाफ हो, चाहे मेरी उनकी पत्नी शाइस्ता के खिलाफ हो या उसके बेटे असद के खिलाफ हो, उसको अब रोक दीजिए, मैंने हार मान ली है। और इसीलिए उसने बयान दिया है आज तक से बात करते हुए कि अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया है, वो ये बात मान रहा है। उसने ये तक कबूल किया है कि माफियागिरी तो खत्म कर चुका हूं, यानी कि उसने बात एक्सेप्ट करी है कि माफिया वो था और माफियागिरी फिलहाल अब बंद है। तो वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को दिखाना चाहता है कि हम आपसे डर गए हैं और आप जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। ये उसका विक्टिम कार्ड हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जैसे ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर साबरमती को उसने क्रॉस किया था तो अतीक अहमद के हाव भाव तभी बदल गए थे और उसकी एंट एक बार फिर से वापस आ गई थी। पर अंजना, मैं आपको एक बार टॉप व्यू से तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां पर कैमरा मैन नीरज आपको तस्वीरें दिखाएंगे नैनी जेल की। इस वक्त टॉप व्यू पे हम मौजूद है और आप ऊपर से देखिए तस्वीरें, यहां से अंदर जो है इसी जेल में अतीक अहमद की आज की पूरी रात कटनी है, अशरफ की पूरी रात कटनी है। जो वैन है वो अंदर दाखिल हो चुकी है और पुलिस सिक्योरिटी नैनी जेल की फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो जिस बात का अंदाजा लग रहा था वो बात तय है कि सीजीएम कोर्ट में कल पेशी होनी है और पुलिस रिमांड की कोशिश प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से करेगी। तो ये कहना मुश्किल होगा कि अतीक अहमद आ तो गया है प्रयागराज, पर उसका साबरमती जेल वापस जाना कब होगा ये तय नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस रिमांड मिल जाती है कल, तो मानकर चलिए एक से दो हफ्ते की भी मिलती है तो साबरमती जेल जाने में अभी काफी समय है। पर अतीक अहमद को यह कहा जा सकता है काफी हद तक कि वो डरा है और साथ ही साथ वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है, क्योंकि जब वहां के जो आम जनमानस थे उनसे जब आज तक ने बातचीत करी तो कुछ ऐसे थे जो ये मानते थे कि अतीक का खौफ खत्म हो गया है, पर कुछ ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि अतीक का खौफ आज भी जिंदा है। सबसे बड़ा टास्क उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, बिल्कुल जो आपने प्रश्न किए और अतीक ने जवाब दिए वो भी अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, कहीं से कोई हलचल, कोई इशारा, फौरन आप हाथ उठाइएगा, हम सीधे आपका रुख करेंगे। लेकिन अब आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि हल्ला बोल में उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर हो रही सख्ती और बाहुबलियों में बढ़ते खौफ के दावों पर आज चर्चा करेंगे। अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती से प्रयागराज लाया गया, अब की बार उससे उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ होगी। साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में अतीक के चेहरे पर खौफ दिखा, उसकी जुबान से दहशत भरे बोल निकले, कह रहा है कि माफियागिरी तो खत्म हो चुकी है, सरकार ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में तो मिला ही दिया है,
अपने परिवार को लेकर अब चिंता दिख रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई लोगों के परिवार उजाड़े, कितनों की जान लेने का आरोप जिस शख्स पर है, अब उसको अपने परिवार की चिंता हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट और उसके बाद से हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, फौरन इशारा कीजिएगा, तीनों सहयोगी हमारे वहां पर है, अगर कुछ भी हलचल वहां होती है सीधा आपका रुख करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, मट्टी में मिला पाए। भले ही उमेश पाल के परिवार की मांग अतीक को सही मायने में मिट्टी में मिलाने की हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, माफिया खौफ में है और उसकी माफिया गिरी मिट्टी में मिल चुकी है। अब उसे अपने परिवार के सिर पर मंडरा रहा खतरा भी नजर आने लगा है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी ने झांसी में आज तक के रिपोर्टर से क्या कहा, सुनिए। अतीक अशरफ को मरली जेल से ले जाने गए, अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। झांसी से पहले शिवपुरी में भी अतीक खौफ में जरूर दिखा, लेकिन उसकी जुबान ने साबित किया कि उसका दिमाग अब भी दाव पेच का कॉकटेल बना रहा है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए। अतीक को जब से यूपी पुलिस साबरमती जेल से लेकर निकली है, तब से वो बार बार अपनी जान का खतरा दिखा रहा है। जेल से निकलते ही उसने यूपी पुलिस की नियत पर सवाल उठाए, फिर शिवपुरी पहुंचकर मीडिया का शुक्रिया अदा किया। क्या करेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, इनकी नियत सही नहीं है, ये खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। नहीं नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। कानून से डर लग रहा है आपका? आप लोगों की मुझे हिफाजत है, ये वरना क्या हो जाता आपके साथ अतीक? दिलचस्प ये है कि एक तरफ अतीक डरा हुआ भी दिख रहा है, तो दूसरी ओर अपनी खुद को, पत्नी और बेटे को बचाने की पूरी कोशिश भी करता दिख रहा है। पहले सुनिए असद के सवाल पर क्या कहा उसने। असद कहाँ है? असद कहाँ है? मैं क्या जानू, मैं जेल में हूँ। अब सुनिए शाइस्ता नूरी को लेकर सवाल पर अतीक का जवाब। शाइस्ता ने फोन किया था आपको जेल में, बताया था पूरे कांड के बारे में? अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों बची थी? और अब सुनिए उसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अपनी भूमिका पर क्या जवाब दिया। जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। अतीक के भय, खौफ और दहशत से जुड़े तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो वाकई डरा हुआ है या फिर डरने का नाटक कर रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप जरा उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर कीजिए। झांसी में जब आज तक ने उससे सवाल पूछे तो वो गाड़ी के अंदर बैठा चुपचाप सवाल सुनता रहा, फिर अचानक गाड़ी की खिड़की के पास आया, वहां बैठे पुलिस वालों से बेखौफ उसने आज तक के कैमरे की ओर देखा और फिर नीचे खड़े समर्थ के माइक की ओर देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि कैमरा और रिपोर्टर दोनों आज तक के हैं, तो उसने जवाब देना शुरू किया और वही कहा जो उसने पहले से तय कर रखा था। अतीक अशरफ को मरली जेल से ले जाने गए, अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। एक तरफ अतीक का खौफ और दहशत वाला दाव है, तो दूसरी ओर उमेश पाल के परिवार की तरफ से इंसाफ की मांग। मेरे हाथ में तो न बंदूक है न बम है कि मैं अपना बदला निकाल लूं। जो करेंगे, जो शासन प्रशासन कर रही है, बस मेरा यही कहना है कि मेरे बेटे के कातिल मारे जाएं, पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, उनको जब भी मिले, जो भी शासन प्रशासन ढूंढवा रही है, उनको मिलते तुरंत एनकाउंटर कर दें। उधर सरकार कह रही है कि गुनाह का पूरा हिसाब होगा।
नियत पर शक है, उससे लग रहा है बार बार इस बात को दिखा रहा है कि पुलिस हमारे को लेकर पारदर्शिता के साथ सुचिता के साथ कानून के तहत पैरवी कर रही है। एक एक अपराधी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 16 दिनों में दूसरी बार है जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। पहले मामला उमेश पाल के अपहरण का था, अब अतीक से उमेश पाल की हत्या के मामले में पूछताछ होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो यूपी पुलिस पर बना हुआ है वो ये कि आखिर बाकी के शार्प शूटर्स, आखिर इनामी बदमाश अतीक का बेटा असद, पत्नी शाइस्ता कब गिरफ्तार होगी। झांसी से समर श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज आज तक। तो असद को अब अतीक अहमद को अपने बेटे असद की चिंता सता रही है, बीवी शाइस्ता की चिंता जता रही है, कह रहा है घरेलू है, परिवार को छोड़ दे, मैं तो मिट्टी में मिल ही गया हूं। लेकिन सवाल है कि जो इनामी बदमाश है या इनामी अपराधी है वो कब तक गिरफ्तार करेगी यूपी पुलिस। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी समर्थक के तौर पर सुदींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं। और संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। गौरव भाटिया जी, ट्रैक रिकॉर्ड तो अब आप योगी सरकार का ऐसा हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं बेट्स लगा रहे हैं, बेट लगा रहे कि गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी, कहां पे क्या होगा, अतीक का क्या होगा। परिवार वाले भी डरे हुए हैं, वो खुद उसका चेहरा अब मुरझाया हुआ है। लेकिन वही पुलिस गाड़ी तो पलटने में माहिर बताई जाती है, शार्प शूटर्स को नहीं पकड़ पा रही है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो आप याद करिए कि जब ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आज पर्याय प्रतिबिंब बन गए हैं अच्छी कानून व्यवस्था का, उनका बुलडोजर मॉडल भी हमने देखा है, विधानसभा के पटल पर उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे इन लोगों को। और आज जब अतीक अहमद का वक्तव्य आया तो अतीक अहमद वो बाहुबली जो कभी समझता था समाजवादी पार्टी सरकार में कि वो सत्ता पलट सकता है, आज उसको अगर डर लगता है कि उसकी गाड़ी ना पलट जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सपा की सरकार में गुंडा राज था, हम सब जानते हैं किस तरह से जनता त्रस्त थी, बाहुबली मस्त थे। लेकिन अब उल्टा है, अब जनता खुश हो रही है कि आज अतीक अहमद कहता है कि माफियागिरी मेरी खत्म हो गई है, मिट्टी में मैं मिल गया हूं, हमारे परिवार की महिलाओं और बच्चों को छोड़ दो। उसको एक बार ये सोचना चाहिए था कि जिसका उसने कत्ल करा और करवाया प्रथम दृष्टा, वो भी किसी का बेटा था। आपने अभी दिखाया किस तरह से उमेश पाल की मां भी कह रही थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपने एक बात कही, आपने कहा वो शार्प शूटर कहां है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या कार्रवाई हुई है। उस्मान शूटर था, वो बाहर गिराया गया पुलिस द्वारा, ये 10 दिन के अंदर हुआ जब ये वारदात हुई। अरबाज एक और शूटर था, वो भी मार गिराया गया। हम सब देख रहे हैं अतीक अहमद थर थर कांप रहा है, ये कानून की ताकत है। और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जब इकबाल हो कानून का, वर्दी का, तो गुंडे जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं वो बाहुबली नहीं होते हैं, वो माफिया नहीं होते हैं। माफिया माफी वीर बन जाता है, और अगर माफिया माफी वीर बने तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। जहां तक आपने बात करी एक और शूटर भागा हुआ है, मैं आपको कह सकता हूं कि कानून के हाथ और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है ये सुनिश्चित करेगी कि कानूनी तौर तरीकों के तहत इसको भी पकड़ा जाए। और देखिएगा जेल की सलाखों के पीछे ये सड़ेंगे, जैसे पहली बार अतीक अहमद, कई मुकदमे चल रहे थे उसके खिलाफ अंजना जी, लेकिन सजा अभी उसे हुई है आजीवन कारावास की, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही हुई। जवाब दीजिए अनुराग जी, माफिया बदहवास दिख रहा है, खुद ही कह रहा है कि माफियागिरी खल्लास हो चुकी है उसकी, कह रही है मिट्टी में कहा था मिट्टी में मिला दिया, तो फिर कुछ तो बात होगी ना जिसकी वजह से माफिया के होश उड़े हुए हैं। देखिए 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें उमेश पाल को कोई छू भी नहीं पाया, और जैसे इनकी सरकार आए 5 साल हुए
और उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जिसमें ये बोलना भी नहीं चाहते हैं, जिसमें पुलिस वाले भी उनकी सुरक्षा में थे, और पुलिस वाले पे गोली चलाने का मतलब आप समझते हो कि माफियाओं की इतनी हिम्मत होगी वो पुलिस वाले पे भी गोली चला देते हैं। सुरक्षा को भी मार दिया उन्होंने, सुरक्षा कर्मी को भी। इसके पहले कानपुर में 8 पुलिस वाले मार दिए गए थे, उसके पहले लखनऊ के अंदर में सरेआम चौराहे पे मार दिया गया था ब्लॉक प्रमुख। किस तरह से हथरस की घटना हुई थी आपको याद होगा, आपको याद होगा लखीमपुर की घटना किस तरह से 4 लोगों को रौंद दिया गया था, आपको याद उन्नाव की घटना भी होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर में खत्म होने चाहिए, माफिया चाहे बनारस से लेके गाजियाबाद तक कोई भी माफिया हो उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक कैसा खौफ है कि दिन दहाड़े वो गोलियों से उला देते हैं, बम तो ऐसे चला रहे थे जैसे पटाखे चला रहे हो, ऐसे ऐसे मार रहे थे बम, आपने देखा कभी बम ऐसे चलाते हुए? तो ये बेखौफ तो है, नकाब तक नहीं पहने हुए थे, इसके मतलब उनके अंदर डर कहां है? वही तो डर मैं चाहता हूं, डर होना चाहिए माफिया के अंदर में। तो सीधी सी बात यह है, और ये बार बार जो श्रेय लेने की बात करते हैं, जिसकी ये बात करते हैं, आज पूजा पाल विधायक है तो समाजवादी पार्टी से विधायक है वो, उसको सम्मान अगर किसी उसकी पत्नी को मिला है तो समाजवादी पार्टी में मिला है, और आपने क्या किया कि आप तो सुरक्षा तक नहीं दे पाए, गवाह उसकी उसकी हत्या होगी जिसपे आप चर्चा भी नहीं करना चाहते, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात। और रायल हसन कौन था? रायल हसन जो जो व्यक्ति इनका माइनॉरिटी का अध्यक्ष है महानगर का प्रयागराज का, उसका भाई इस हत्या में शामिल है, तो क्या इसे इनसे पूछेंगे रायल हसन कौन था, क्या कर रहा था भाई, क्यों आपने ऐसे आदमी को महानगर अध्यक्ष बनाया था जिसका भाई हत्या में शामिल है? तो सवाल ये उठता है, इन पे जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहते हैं? और हम समाजवादी लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, जब हम संविधान और न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये कहते हैं ये माफियाओं को बचाने की बात कर रहे हैं, अरे संविधान और न्यायपालिका से देश चलता है ना। और मैं तो ये कहूंगा, ये वकील साहब ज्यादा चित्र जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया 2017 के बाद में कि स्पेशल कोर्ट बनेगी एमपी एमएलए की, जिस वजह से न्याय प्रक्रिया तेज होगी, उस वजह से आज न्याय प्रक्रिया तेज है, तो ये न्याय प्रक्रिया जो है हमारे हमारे न्यायालय से मिलती है, ठीक है। तो आप न्यायालय को तो नहीं कह सकते, न्यायालय न्यायालय न्याय देता है, हम सब न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं, ठीक है। एक छोटा सा जवाब गौरव जी, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी है, ये तो बहुजन समाज पार्टी मायावती तक कह चुके हैं जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन मैं इनकी याददाश्त जरा तरोताजा करता हूं। ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं, ये अतीक अहमद किसका हाथ पकड़े हुए हैं ऐसे जैसे दोनों जुड़वा भाई हैं, माताएं अलग अलग हैं। अरे ये अखिलेश यादव हैं, अच्छा अच्छा मंच पे। अरे एक और तस्वीर लाया हूं, ये देखिए, इसमें तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं वो और अखिलेश यादव और अतीक अहमद जो है सिखा रहा है कि राजनीति कैसे होगी, और ये बात कर रहे थे राजू पाल हत्याकांड की। अरे गजनी महोदय थोड़ा सा च्यवनप्राश खाइए, याददाश्त तरोताजा हो जाएगी, किसके समय में हुआ था ये? अब ये भाषा से समाजवादी पार्टी की गुंडा सरकार थी, कोई उल्टी और आपको मालूम है 2007 तक नहीं दूसरों को तो बोलने में बहुत, कम से कम भाषण शैली सीख लो। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूंगा कि कम से कम संस्कार सिखाते, बातों का शब्द का इस्तेमाल सिखाते, उत्तर प्रदेश और देश में संस्कार, हिंदुस्तान बहुत संस्कार। मिस्टर भदौरिया आराम से, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, हमारे पे व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे तो जवाब दिया जाएगा, और हिंदुस्तान में मौका दूंगी, कम से कम संस्कार को मैं मौका दूंगी, एक साथ मत बोलिए प्लीज। चलिए अब तीसरा तथ्य रख देता हूं, इनको शायद यह भी नहीं मालूम है कि किसने एमएलए बनाया अतीक अहमद को 1996 से 2002 तक समाजवादी पार्टी, किसने सांसद बनाया फूलपुर से जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात है 2007 तक एफआईआर नहीं हुई जब तक कि बसपा की सरकार नहीं आई थी, क्योंकि सपा उसको संरक्षण देती थी। वर्दी की इन्होंने बात करी, अरे अमिताभ ठाकुर डीआईजी थे, उनको किसका फोन गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, डरा रहे थे कि आप कुछ मत बोलिए, डीआईजी ने खुद अमिताभ ठाकुर ने वक्तव्य दिया। और एक वर्दी की बात करता हूं, जियाउल हक डेप्यूटी एसपी था, मारा गया था भीड़ ने दौड़ा के, किस लिए? क्योंकि आपकी पार्टी के कोई बहुत बड़े साथी थे, गुंडा राज फैलाते थे और आप कार्रवाई नहीं करते थे। और एक बात और कह दूं, इनके समय में पुलिस आजम खान की भैंसे तो ढूंढती थी लेकिन कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाती थी, ये आंकड़े बड़े अहम है, मैं आपको बताता हूं। इनके समय में 2004 में इनकी सरकार 6126 हत्या के मामले थे, आज 2021 का लेटेस्ट जो डेटा आया है अंजना जी,
3717 है, 2409 मामले कम हुए हैं, और इनके समय में अगर भाजपा से तुलना करें तो 65% ज्यादा हत्या के मामले थे, 65%। ये आंकड़े एनसीआरबी के दे रहा हूं, बगले मत झांकिए। ये दिखाता है आप संरक्षण देते हैं और हम माफियाओं को सजा दिलवाते हैं। वो जानते हैं कि अब कानून की ताकत क्या है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जरा सा इधर उधर कानून तोड़ा तो आप देखिएगा कि क्या हश्र होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अनुराग जी कैसे डिफेंड कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर से टिकट देना अतीक अहमद को, कैसे डिफेंड कीजिएगा, क्या सोच थी? लेकिन ये बताइए उन्होंने 1999 की तो बात की, 2002 से, 2002 के बाद गजनी हो गए, भूल गए वो कि 2002 के बाद किस पार्टी से वो विधायक बने थे, अपना दल से, जिसको आप अपनाए हुए हो, अपना के आप घूम रहे हो, अपना दल, तो गजनी कौन है? 2002 के बाद का भी याद कर लीजिए और मुझे बोलने दीजिए। और जिस साथी का नाम तो ले लीजिए, आपने जावलत का तो नाम लिया, साथी का भी नाम लीजिए। अच्छा, किस साथी का नाम आया था जरा बताइए ना, हिम्मत जुटाइए ना, वो साथी का नाम भी ले लीजिए, वो नाम नहीं ले पाएंगे आप, इसलिए आप जानते क्यों नहीं ले पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुद ही खोल दी, कि कैसे पोल खोल दी, साथी बोल रहे हैं, साथी का नाम नहीं ले पाएंगे, 2002 के बाद भूल जाएंगे किस पार्टी से विधायक बने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो कहती है ना कि हम बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, सवाल ये है कि आप सुनिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोला था भैया, इसीलिए गजनी कौन है सबको पता चल गया कि मैं बीच में भी नहीं बोला था। अब मैं बोल लूं या चलो आपकी याददाश्त वापस ला देता हूं, वापस ला देता हूं याददाश्त, चिंता मत कीजिए। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं जिसपे आपराधिक मुकदमे हैं, आपने क्या कार्रवाई की है, फोटो मत दिखाइए, आप उन विधायकों की फोटो दिखाइए जो भारतीय जनता पार्टी से, कितने आपराधिक मुकदमे हैं जिसपे आपने क्या क्या कार्रवाई की है और कितने आपने आपराधिक मुकदमे वापस किए हैं अपने सदन में, ये भी बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है कितने आपराधिक मुकदमे। 100 डायल अगर पुलिस सिस्टम मजबूत आपने कितना किया है, हमने किया ना 100 डायल बना के पुलिस सिस्टम मजबूत, आपने 112 जरूर बना दिया। पुलिस का हेडक्वार्टर किसने बनाया मजबूत, जहां से तुरंत वायरलेस और बातें हो सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके, वो भी समाजवादी पार्टी ने बनाया है इतना शानदार, क्योंकि हमने मजबूत किया है पुलिस सिस्टम को, हमने मजबूत किया है कम्युनिकेशन को। आप सिर्फ बातें कर सकते हो लेकिन आप टेक्नोलॉजी के बाद आप किसी पुलिस सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बैठ लिए चलते, आप दोनों के पास लौट रही हूँ, विक्रम सिंह साहब उसके बाद मैं आ रही हूँ, सर आपके पास भी और सुदीन जी आपके पास भी। विक्रम सिंह साहब, क्या वाकई बाहुबली या फिर माफिया कह लीजिए, ये माफिया योगी राज में ज्यादा डरे हुए हैं, जो दावा सरकार करती है उसमें दम है? कानून व्यवस्था सबसे बड़ा प्लैंक बना था पिछले चुनाव में, जिसमें योगी में लोगों को दम दिखा था कि उनकी वजह से कानून व्यवस्था सख्त हुई है, क्या इस दावे में दम है? अंजना जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, शाश्वत सत्य है कि एक कातर जनता देख रही है कि पहली बार इतना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्रवाई हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, गौरव भाटिया जी ने कुछ फोटो दिखाए, मैं कोई फोटो तो लेके नहीं आया हूं, लेकिन समाजवादी के शीर्षस्थ नेता अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, ये फोटो वायरल है। अतीक अहमद राजनीतिक मंच पर अपने कुत्ते को लेके जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अतीक अहमद की बात अगर छोड़ दें, उन्होंने तो नोएडा के सीईओ के घर में जो गुंडागर्दी की, एफआईआर नहीं होती है, जबकि वो चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रहे थे। और ये तमाम गुंडागर्दी के बावजूद अंजना जी, एक कल इनामी अपराधी थाने में जाके उसने सरेंडर किया, एक राणा नाम का अपराधी बिजनौर में कल मुठभेड़ में मारा गया, ये सब चीजें दिखा रही हैं। और केवल यूपी में क्यों, 5 स्टेट्स में अगर योगी जी की मांग की जा रही है, और यहां तक कि इंग्लैंड और कनाडा में योगी जी की मांग की जा रही है खालिस्तानियों से निपटने के लिए, तो जरूर आज के शासन प्रशासन में कोई मेरिट होगी, कोई खूबी होगी, कोई खूबसूरती होगी, तभी तो मांग हो रही है, वरना आज कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है कि कोई ये कह दे कि इन माफिया तत्वों से किसी ने कोई जमीन प्राप्त की है, कोई उपहार प्राप्त किया है, कोई लाभान्वित हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और एक के बाद एक, क्या कारण है? पहली बार अतीक को सजा हुई है, कन्विक्शन हुआ, ये पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अंजना जी, जनता देख रही है, जनता प्रबुद्ध है कि ऐसा अभूतपूर्व जो शासन प्रशासन जिसने की माफिया की कमर तोड़ दी, ये वही अतीक है जिसने सुगना बल नाम के व्यापारी को कहा, कल तक आज तक ये जमीन तुम्हारी, कल से ये हमारी, और जिनको जाना है जिससे जाके शिकायत कर लो, उसमें सब में सब लोग शामिल थे, ये इसकी दबंग गई। और आज इनकी हालत देख लीजिए, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।
अब इस पे आपका क्या कहना है भदौरिया साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद से आपके पास आ रही हूँ। बीएसपी का तो एक लंबा साथ रहा लेकिन इस बार आपने टिकट नहीं दिया है। देखिए सवाल किससे है? सुधींद्र जी से। सुधींद्र जी, जी आपका प्रश्न क्या है? आप अभी अनुराग जी से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रही हूँ सुधींद्र जी। बीएसपी से भी लंबा रिश्ता रहा अतीक अहमद का, परिवार का। अब इस बार उम्मीद थी शाइस्ता को कि टिकट मिले नहीं मिले, खैर टिकट तो नहीं मिला है चुनाव के लिए, लेकिन ये जो मिली भगत रही है पॉलिटिक्स और माफिया की, वो तो एक बार फिर से चर्चा में है सर। जो रिश्ता रहा है वो आप भी जानती हैं और देश भी जानता है, और विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं। उस जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो ये डीजीपी थे, और उसी दौर में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजू पाल विधायक को रगेद रगेद कर 2005 में मारा गया था, 2007 तक FIR नहीं हुई। जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तब अतीक अहमद के खिलाफ FIR हुई। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हम स्वागत करते हैं अगर कानून का राज कायम हो, कोई भी अपराधी गिरफ्तार किया जाए उसको जेल भेजा जाए। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण सुश्री बहन मायावती जी थी, उन्होंने अपने चुने हुए सांसदों तक को जेल में भेजा, अपने चुने हुए विधायक और मंत्रियों को भी जेल में भेजा, इसलिए क्योंकि उन पर अपराध के मामले तय हुए तो उन्होंने बख्शा नहीं किसी को। मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून का राज रहना चाहिए, अपराधीकरण ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, बिहार हो अन्य प्रदेश हो, आप चाहे राजस्थान जाइए, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में जाइए, तो अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये सर्वविदित है, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का खात्मा हो इसके लिए सामूहिक प्रयास होना चाहिए, ग्राउंड टेबल होनी चाहिए, सभी लोग बैठे और हमको इस तरह के कायदे कानून बनाने चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को न टिकट मिले और इनको न प्रतिष्ठित किया जाए, तभी इस देश के संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। जवाब दीजिए संगीत रागी जी। कि जब बहन मायावती जी थी तब भी बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग फल फूल रहे थे, उनमें अतीक अहमद जैसे लोग भी थे। और दो बातें मैं कहना चाहूँगा, अनुराग भदौरिया को बड़ा कष्ट होगा ये सुन करके कि अभी तक इनकाउंटर में करीब 23,000 लोगों को इनकाउंटर के पश्चात जो है वो उनके गैंग के लोगों को जेलों में डाला जा चुका है। और जब आपकी सरकार थी अनुराग भदौरिया जी तब करीब 24,000 हत्याएं हुई थी, 23,700 कुछ ऐसी थी, आंकड़े पूरे याद नहीं है लेकिन 24,000 के आसपास हत्याएं ऐसी हुई थी। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश उन दिनों नंबर वन पर होता था, और इसका बहुत बड़ा कारण है, आप देखे होइएगा कि जो है वो जैसे ही अखिलेश यादव सत्ता में आए, अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद जो है वो लखनऊ में बनारस में जो बम विस्फोट में थे उन सबों को जेल से रिहा कर दिया गया। हमीरपुर में एक व्यक्ति जेल में थे, वो बड़ा मुलायम सिंह परिवार के बड़े करीबी थे, उनको जो है वो लखनऊ के नज़दीक लाया जाने लगा। आप अमर मणि त्रिपाठी का किस्सा भूल गए हैं क्या? किस कौन कौन सह देता था उनको, कैसे सह पर वो करते थे, उनको आजीवन कारावास हो गया था, लेकिन वो किस प्रकार से जो है वो एकदम लग्जरी जीवन जी रहे थे, खुलेआम घूमा करते थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां तक परसेप्शन का सवाल है, ये बहुत तय हो चुका है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता में, और ये अनुराग भदौरिया भी व्यक्तिगत तौर पर मानते होंगे, बेशक के नेशनल चैलेंज पर नहीं कहे, कि उनके उनके सरकार उनकी पार्टी के सरकार में अपराधियों को संरक्षण था। ये बार बार एक सवाल उठाते हैं कि उमेश पाल की देखिए इस समय हत्या हो गई, उस समय नहीं होती, उस समय इसलिए मित्र नहीं हत्या होती थी क्योंकि कोई भी अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत ही नहीं करता था। आज वो गवाही देने के लिए हिम्मत जुटा पाए, ठीक है उसके उसकी हत्या हो गई, लेकिन पहले तो अतीक अहमद के खिलाफ कोई FIR तक नहीं हो पाता था साहब,
बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। दूसरी बात, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई गवाही देने के लिए नहीं होता था, ये उसका टेरर था। आज के दिन में कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कोई नहीं कह सकता कि हमें डर है। ये ठीक है, कोई भी क्राइम फ्री कोई भी स्टेट नहीं होता है दुनिया में, कोई इजराइल जैसा देश नहीं कर पाया है, अमेरिका नहीं कर पाया है। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देना दोनों पार्टियों ने किया, चाहे वो बीएसपी का हो और चाहे जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में पहले कांग्रेस अपराधियों को खड़ा करती थी, बाद में अपराधी जो है अपना एमएलए और चुनाव लड़ना शुरू कर दिए, फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आई, उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग को ही अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया। जेडीयू ने उससे निपटने की कोशिश की थी, लेकिन जेडीयू फिर उसी राजनीति का शिकार हो गई। तो उत्तर प्रदेश की हालत भी लगभग वही थी, और आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जैसा कि डीजीपी जी साहब ने कहा, विक्रम सिंह जी ने, कि यदि नीतीश भी बुलडोजर यदि मॉडल की बात कर रहे हो, वहां की सरकार भी यदि बुलडोजर मॉडल की बात कर रही हो, तो ये मान करके चलिए कि बाबा का जो मॉडल है उसको जनता ने पसंद नहीं पसंद किया है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ने पसंद किया है। बुलडोजर और ये गाड़ी पलटने वाला भी मॉडल है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है शास्त्रों में, सठम साठ्यम समाचरेत, बाली को मारना था तो भगवान राम ने भी सहारा लिया था। हाँ। वो सीधे नहीं, उन्होंने, उनको पता था कि हमको बाली का वध करना है। कृष्ण ने पूरा महाभारत में अस्पष्ट युद्ध तो कहीं नहीं किया, अश्वत्थामा के, चाहे वो द्रोण की हत्या हुई हो, चाहे भीष्म पितामह की हत्या हुए, धर्म के लिए सारी चीजें जायज है। ठीक है, अपराधी मुक्त करने के लिए सिंह साहब भी पलटती है। आप इससे सहमत है क्या? एक सेकंड, फॉर्मल डीजीपी है, एक सेकंड, एक जवाब दे दो। प्रभु आ रही, आ रही, गाड़ी पलट इंसाफ है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और महाभारत को जो आप विकास दुबे के बारे में जो आपने उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, मैं 200% सहमत हूँ। नंबर दो, संगीत रागी जी ने एक बात कही कि पुलिस के शस्त्रागार में जो भी हथियार हैं वो माफिया और बदमाशों अपराधियों को मटियामेट करने में इस्तेमाल होने चाहिए थे। अगर गाड़ी पलटती है और अपराधी पुलिस पे आक्रमण करता है, हथियार छीनता है और उनकी हत्या करना चाहता है, तो पुलिस को भी ये अधिकार है अपनी आत्मरक्षा में वांछित बल प्रयोग करना, धारा 96 से 106 आईपीसी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, अपनी या किसी अन्य की जान और माल बचाने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन जो माफिया की हत्या होती है या जो माफिया मारा जाता है, कुछ लोगों को बड़ी वेदना और पीड़ा होती है, जैसे परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, अरे ये विधि सम्मत तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आलोक में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका अनुमोदन किया है, इसमें किस बात की आपत्ति? लेकिन हाँ, सैटेलाइट देख रही है, सैटेलाइट इमेजिंग देख रही है। आज जैसे हम लोग एयर रिकॉग्निशंस या एयर सैटेलाइट इमेजिनरी के बारे में अनभिज्ञ हैं, अब आईपीएस अफसर भी आईआईटी पास आउट से, आईआईएम पास आउट से एयर रिकॉग्निशंस सैटेलाइट इमेजिंग को जानते हैं, इसलिए धमकाने की कोशिश ना किया जाए। क्या दिखा रहे हैं अनुराग जी? ये फोटो देखे हैं कि नहीं? कभी देखे हैं? मुलायम सिंह जो है वो अतीक अहमद के कुत्ते को पुचकार रहे हैं, इतना तो अपने घर के बालक को, अपने शिशु को नहीं पुचकारते थे। ऐसी क्या नौबत है कि मुलायम सिंह जी को, एक बड़े राजनेता माने जाते हैं, एक बड़े पॉलिटिशियन जवाब दे दूं, मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को इस प्रकार का ऊंचा आसन देना शोभा देता है क्या? जवाब दीजिए। देखिए ये फोटोग्राफ, अच्छा देखिए ये कह रहे थे कि मैं प्रोफेसर हूं, सुना है, हैं कि नहीं पता नहीं, इनकी बातों से तो नहीं लगता ये प्रोफेसर हैं, अगर होते तो दोनों तरफ की बात करते। ये भी कहते कि झांसी की बात कर रहे थे, पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई थी, इनकाउंटर हुआ था आपको पता है, जिसकी बीबी ने भी बाद में आत्महत्या कर ली, क्या वो इनकाउंटर सही था? पहले इस जरा बता दीजिए आप, एक निर्दोष की इस फोटो पर क्या कहना है? अरे इसी पे बात कर रहा हूँ, फिर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई, सुबोध सिंह को सुबोध सिंह को मारा गया था, किसकी सरकार थी? विवेक तिवारी की सरकार में हत्या हुई, किसकी सरकार थी? कमाल है, पुष्पेंद्र यादव को आपने इनकाउंटर किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इनकाउंटर जेन्युइन था? और बाद में उसकी बेटी, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं चलेगा, सुन लीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा,
कि मुलायम सिंह का ये प्यार किसके लिए है, जरूरत है अतीक अहमद के लिए, गुंडे के लिए, आप सब माफियाओं को खत्म करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा कीजिए, उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा कीजिए, माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, माफियाओं के नाम लिस्ट जारी कीजिए, बाकायदा लिस्ट जारी कीजिए, लेकिन आप राजनीति करेंगे तो प्रोफेसर साहब मुझे अफसोस होता है आपकी पढ़ाने पे। आप क्या बच्चों को पढ़ाते होंगे कि एक तरफा बात करेंगे? हिंदुस्तान में एक तरफा बात नहीं करता प्रोफेसर, वो अच्छाई बुराई दोनों की बात है और दोनों जगह अच्छाई और बुराइयां हो सकती हैं। ठीक है, कमाल के प्रोफेसर है आप भाई। ठीक गौरव भाटिया जी, देखिए अंजना जी, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये हत्याकांड हुआ तो योगी जी ने अपना जो उनका धर्म है संविधान की शपथ लेके कहा कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे बाहुबली को। सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ था? अखिलेश यादव बोले कैसी भाषा है, बाहुबली को मिट्टी में मिला दोगे। रामगोपाल यादव जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि देखिए अतीक अहमद का एनकाउंटर होने वाला है, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अखिलेश यादव दोबारा आए, उन्होंने कहा कि कहां गाड़ी पलटनी है ये योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया है पुलिस को। ये क्या दिखाता है? एक तरफ कानून का डंडा चल रहा था, दूसरी तरफ अतीक अहमद के सारे जितने समर्थक थे, संरक्षण देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे, सब बाहर आए थे। और समाजवादी पार्टी का एक ही असूल है, जितना बड़ा बाहुबली, जितना बड़ा गुंडा, उतना बड़ा समाजवादी पार्टी का लीडर। क्यों मैं कहता हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि गायत्री प्रजापति आपको याद है, इनके ऊपर रेप का आरोप लगा, आज दोषसिद्ध हो चुका है रेप का जो मुकदमा था, और इनको हटाया जो आधे मुख्यमंत्री थे, और ये दोबारा आ गए वापस। और देखिए पैर छू रहे हैं, मंत्री पद से हटाए गए, 5 दिन के अंदर वापस लाना पड़ा था जो आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। दूसरा, जब एक महिला ने, हमारी बहन ने कहा कि मेरे साथ दुराचार हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं, तारीख है 17 फरवरी 2017, सरकार इनकी थी, FIR नहीं लिखी जा रही थी। FIR लिखना कर्तव्य है पुलिस का, ललिता कुमारी का केस है, लेकिन ये लोग तो संरक्षण दे रहे थे गायत्री प्रजापति को। और अगर मैं इसकी तुलना करूं, ये आंकड़े अति आवश्यक है, मैंने आपको जल्दी से खत्म कीजिए बताया, शांत हो जाओ जनरेटर। उमेश पाल की हत्या की तारीख बता दो जाते जाते। योगी जी की सरकार में 63,000 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, 9,000। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शार्प शूटर्स को पकड़ना अभी भी यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, और फिलहाल नैनी जेल प्रयागराज पहुंच गया है अतीक अहमद। देखते रहिए आज तक।